हेलो दोस्तों, इस तस्वीर को आप जरा गौर से देखिए, पहचानिए और कोशिश करिए, पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। 2014 की है, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र साहब मोदी जी की। गौर से देखिए तस्वीर को, गौर से देखिए और उस वक्त के याद कीजिए और आज के जो देश के हालात हैं उस पर आप याद करिए। आगे वीडियो देखिए आप। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको, दर्शकों को, हमारे प्राइम मिनिस्टर की साहब की कुछ पुरानी बातें, एक पॉइंट बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जिक्र करना चाहूंगा, भारत देश में जो आज कर्नाटक से लेकर के दिल्ली तक जो हालात हुए हैं, कर्नाटक में बीजेपी और कांग्रेस की बड़ी टक्कर चल रही है। देखते हैं 13 तारीख को क्या होता है, लेकिन हालात जो सामने आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि कांग्रेस शायद जीतेगी। पर जो आज के डेट में 10-12 दिन से जो जंतर मंतर दिल्ली के अंदर बेटियों ने धरना प्रदर्शन कर रखा है और जाट लोगों ने समर्थन की है और उधर ने भी समर्थन किए, ऑल ने समर्थन की है, हर शख्स आके समर्थन कर रहा है, लेकिन सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है, कोई मतलब नहीं है। बेटियों का सवाल है मगर कोई मतलब नहीं है। वही बेटियां थी एक दिन जो जीतने पर मुबारकबाद, मेरी बेटियां, मेरी देश की, ऐसा दुनिया भर के अल्फाज कहे गए, लेकिन आज उस बेटी के लिए एक अल्फाज नहीं है। मैं अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की एक बात याद दिलाऊंगा, जो 14 में जीत के आए थे, दर्शकों को और मेरे मन को जो बात भा गई थी, जब वो आप देख सकते हैं वीडियो पे, कि जब 14 के बाद जीत के आए पार्लियामेंट के सीढ़ी पे, जब उन्होंने सजदा किया था, उस सजदे से देश को और मुझे भी ऐसा लगा था कि शायद देश को कोई अच्छा लीडर मिल गया है। अब हो सकता है इसके बाद कुछ बदलाव आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और देखते देखते तकरीबन 8-9 साल बीत गए, महंगाई से परेशान, जॉब नहीं, नौकरी नहीं, गैस सिलेंडर, डीजल, पेट्रोल के दाम, सब्जियों के दाम, दाल चावल के दाम, रोजमर्रा की चीजें बढ़ती जा रही हैं और सरकार को इससे मतलब नहीं है। पर वो चीज जिन्होंने सजदा किया था पार्लियामेंट के सीढ़ी पे आके, इस तस्वीर को देखिए आप, कि आपको समझ में आएगा, आप सबको समझ में आएगा कि वो वक्त क्या था, वो कैसा समा था कि इस सजदे के करने के बाद जनता के मन में क्या आया था। लेकिन ऐसा कुछ ना हमें दिख रहा है, ना आम जनता को, ना देशवासियों को दिख रहा है।